गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम बैक टू माई फिजिक्स लेक्चर बेटा हमने टू ए चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस ये चैप्टर ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है आज हम इसमें कवर करेंगे ग्रुपिंग ऑफ ए सेल इन सीरीज एंड पैर ठीक है जो मतलब की सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेड एसिड सेल ठीक है ये आपके सिलेबस में नहीं है आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैलर फर्स्ट टू सेल इन सीरीज ठीक है मान लो हमने टू सेल को सीरीज में कनेक्ट करना है दोनों सेल डिफरेंट है ठीक है डिफरेंट का मतलब क्या हुआ एक का पोटेंशियल डिफरेंस टू वोल्ट है दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस थ्री वोल्ट है टू सेल आर डिफरेंट का मतलब दो सेल का पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंस अलग अलग है ठीक है हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया नेगेटिव का टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ ठीक है ई वन क्या है हमारा फर्स्ट सेल ई टू क्या है हमारा सेकंड सेल आर वन फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर टू सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जब हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया लेटेस पोज इसमें करंट फ्लो होने लग गया ठीक है करंट की डायरेक्शन हमने है नेगेटिव टू पॉजिटिव ओके लेटेस्ट कंसिडर टू सेल ऑफ ई एम एफ ई एंड ई टू ईन एंड ई टू एंड इंटरनल रिजिस्टेंस आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है बी ए बी 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 सी आर द पोटेंशियल एट ए बी सी ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट हेल लेटेस्ट सपोज ये हमारे पास फर्स्ट हेल है इनके टू टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम राइट करेंगे वी ए बी ठीक है इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी क्योंकि देखो जो ए टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है जो बी टर्मिनल है ठीक है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है इसलिए ए का पोटेंशियल डिफरेंस बी से मोर होएगा इसलिए हम इसको राइट करेंगे बी ए माइनस बी बी मैंने आपको बताया था जब भी सेल को हम वर्किंग वे में कनेक्ट करते हैं मतलब कि सेल से हम एनर्जी ले रहे हैं करंट ले रहे हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है e1 वन माइनस आई आर वन ठीक है ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल हमारे पास ये सेकंड सेल है इनके दो टर्मिनल है B एंड C B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा बी बी माइनस बी सी इसको हम कैसे राइट करेंगे ई टू माइनस आई आर टू ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी ऑफ द टू सेल ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा वी ए माइनस बी सी ओके तो हम इसको कैसे राइट करेंगे फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सेकंड सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस बी वी की वैल्यू हमारे पास आई थी ई वन माइनस आई आर वन बी बी माइनस बी सी की हमारे पास वैल्यू आई थी ई टू माइनस आई आर टू ठीक है अब हम इसको सोल्व कर लेंगे इस, औ, इस, औ, इस और इस में से हमारा आई बारह ठीक है तो वी ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई टू माइनस आई आर वन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल सेल बिटवीन ए एंड बी देखो जो हम फर्स्ट डायग्राम में टू सेल लेके चले थे वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के थे ठीक है एक तो टू वोल्ट का दूसरा था थ्री वोल्ट का मान लो हम फाइव वोल्ट का एक सेल सर्किट में कनेक्ट करते हैं ठीक है तो हमारे पास ओनली वन सेल है सर्किट में इसके टू टर्मिनल है ए एंड सी ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा ई e माइनस आई आर ठीक है यहाँ पे हम इक्वलेंट राइट करेंगे इक्वलेंट का मतलब है जो हमारे पास सेल लगा हुआ है सर्किट में उसका पोटेंशियल डिफरेंस दो सेल के इक्वलेंट है ठीक है जो फर्स्ट डायग्राम ने डायग्राम में हमने टू सेल को मेंशन किया था एक का पोटेंशियल डिफरेंस टू था एक का पोटेंशियल डिफरेंस थ्री था यहां पे जो हमने एक सेल इंसर्ट किया है सर्किट में उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइव वोल्ट है ठीक है फिर हम इसको कंपेयर करेंगे ओकेशन थ्री के साथ ठीक है जब हमने इसको थ्री के साथ कंपेयर किया देखो ई इक्वल किसके बराबर आ जाएगा ई वन प्लस ई टू ठीक है और R इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा आर वन प्लस आर अब देखो यहाँ पे हमने टू सेल मेंशन किए थे अगर हम वेन देयर विल बी एन नंबर ऑफ सेल अगर हम एन नंबर ऑफ सेल लेके चलते हैं तो E इक्वल किसके आएगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री अप टू ई एन आर इक्वल किसके इक्वल आएगा आर वन प्लस R टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन इसका मतलब क्या हुआ जब भी हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे राइट करेंगे मतलब कि अगर फर्स्ट का टू वोल्ट है सेकंड का थ्री वोल्ट है थर्ड का फाइव वोल्ट है तो उसको हम डायरेक्ट मतलब कि ऐड करेंगे टू थ्री फाइव ठीक है और जब हम सेल को सीरीज में इंसर्ट करेंगे तो उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वलेंट आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है टू सेल इन पैरल ठीक है हमने टू सेल को पैरलर में कनेक्ट किया हुआ है ठीक है पैलर में हम ऐसे कनेक्ट करते हैं दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक टर्मिनल टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं ठीक है लेटेस्ट सपोज सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई देखो बेटा जो करंट की डायरेक्शन होगी सी टू ए होएगी क्योंकि मान लो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है टोटल तो सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है जब करंट बी टू पे रीच करेगा ये टू पॉइंट में टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आई वन एंड आई टू ठीक है मतलब कि जो हमारे हमारे पास कंप्लीट सर्किट है आ, अपर आर्म में तो करंट आई वन फ्लो होगा लोअर आर्म में करंट आई टू फ्लो होगा ठीक है तो यहां पे करंट मीट कर जाएगा आई वन एंड आई टोटल करंट आउट कितना होएगा सर्किट में I I क्या है हमारे पास I1 वन प्लस आई टू तो हमारे पास टू टर्मिनल है हमने क्या राइट किया बी बी वन एंड बी बी टू बी द पोटेंशियल एट बी वन एंड बी टू हमारे पास टू टर्मिनल है बी वन एंड बी टू इस टर्मिनल पे हमने पोटेंशियल को बी बी वन कंसिडर कर लिया इस टर्मिनल पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बी बी टू कंसिडर कर लिया ठीक है बी क्या है इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी वन एंड बी टू ओके तो, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा टू टर्मिनल के बीच में बी बी वन माइनस बी बी टू अब देखो फर्स्ट सेल के लिए ले रहे हैं हम फर्स्ट सेल के लिए टू मतलब कि इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बी वन के साथ कनेक्ट है नेगेटिव इलेक्ट्रोड बी टू के साथ कनेक्ट है इसलिए इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा बी बी वन माइनस बी बी टू क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बी वन के साथ कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल बी टू के साथ कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हायर होता है नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लोअर होता है इसलिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके को आ जाएगा फर्स्ट सेल के लिए ई वन माइनस आई आर वन ऐसे हम सेकंड सेल के लिए कंसीडर कर लेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा पोटेंशियल ई टू माइनस आई आर टू अब हमने इसको सोल्व करना है देखो हमारे पास बी इक्वल है ई वन माइनस आई आर वन ठीक है इसको हम सोल्व कर लेंगे हमारे पास आई वन किसके इक्वल आ जाएगा ई वन माइनस बी पॉइंट आर वन ठीक है ऐसे सेकंड सर्किट के लिए सॉरी सेकंड सेल के लिए, लिए आई टू किसके आजगा ई टू माइनस बी पॉइंट आर टू फिर हम क्या करेंगे टोटल करंट फाइंड करेंगे टोटल करंट किसके इक्वल है आई वन प्लस आई टू के ठीक है हमने आई वन की वैल्यू पुट कर दी और आई टू की वैल्यू पुट कर दी अब हमने इस टर्म को सोल्व करना है ई वन पॉइंट आर वन ई टू पौ आर टू ठीक है इसको हमने एक टर्म कंसिडर कर लिया इन दोनों टर्म में से हमने बी को बाहर निकाल लिया डायरेक्ट के अंदर आ गया वन पॉइंट आर वन प्लस वन पॉइंट आर टू अब हमने इसको सोल्व कर लिया इन दोनों का एलसीएम आ गया आर वन पॉइंट आर टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ऐसे ही हमने इस टर्म को सोल्व कर लिया हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ गई दिस ठीक है फिर हमने इसको सोल्व करना है फुल टर्म को हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे ठीक है इस टर्म को एज इट इज रखेंगे और करंट को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई हम इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे जब हमने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आर वन आर टू टर्म कैंसिल हो जाएगी ठीक है तो हमारी ये टर्म आ गई वी इज इक्वल टू दिस अब मान लो हम सेल को सिंगल सेल से रिप्लेस करते हैं तो हम क्या करेंगे इक्वलेंट राइट करेंगे आर इक्वल एंड ईक्वलेंट इक, हमें पता है वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर फॉर्मूला होता है तो हम यहाँ पे ई e की जगह पे इक्वल्ट राइट कर देंगे आर की जगह पे आर इक्वल राइट कर देंगे ठीक है मान लो हमारे पास टू सेल है ई इक, इक्वलेंट का मतलब दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्वलेंट का मतलब है टू सेल का रेजिस्टेंस ठीक है फिर अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ठीक है तो हमारा ई इक्वलेंट किसके इक्वल आ गया इस टर्म के इक्वल तो आर इक्वलेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई अगर हम आर इक्वलेंट का निवर्स फाइंड करेंगे तो ये टर्म उल्टा हो जाएगी आर वन प्लस आर टू पॉइंट आर वन आर टू ठीक है हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे आर वन आर वन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट आर टू आर टू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आर टू आर टू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट आर वन इसका मतलब क्या हुआ अगर हम मतलब कि सेल को पैलर में अटैच करते हैं जो उनका टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको हम इस मेथड से ऐड करेंगे मतलब कि टू सेल का टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा वन पॉइंट आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वन पॉइंट आर वन प्लस वन पॉइंट आर टू अगर हम ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आ गया ई वन पॉइंट आर वन क्योंकि आर टू के साथ आर टू कैंसिल हो गया अगर इसको इसके साथ डिवाइड किया आर वन के साथ आर वन कैंसिल हो गया हमारे पास आ गया ई टू पॉइंट आर टू ठीक है ये तो हम सर्किट में टू सेल लेके चले थे अगर हम सर्किट में एन सेल कंसिडर करते हैं तो वन पॉइंट आर इक्वल तो किसके इक्वल आ जाएगा वन पॉइंट आर वन प्लस वन पॉइंट आर टू प्लस वन पॉइंट आर थ्री प्लस वन पॉइंट आर एन ठीक है तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी ई इक्वलेंट इज इक्वल टू ईन आर वन प्लस ई टू पॉन आर टू प्लस ई थ्री पॉन आर थ्री अप टू क्या आ जाएगा ई एन पोर्ट आर एन ठीक है ये हमारे पास टू मेथड हैं मतलब कि सेल को हम कैसे अटैच कर सकते हैं सीरीज में और पैलर में ठीक है बेटा ये तो मतलब कि हम सेल लेके चले थे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था टू वोल्ट थ्री वोल्ट फाइव वोल्ट एक्सेट्रा अगर हम ग्रुपिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल आर्टिकल रीड करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ बुक में सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैलर में हम E1, E2, E3 को E से रिप्लेस कर देंगे ठीक है क्योंकि मान लो जो सेल uh, का नंबर ऑफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस टू वोल्ट टू वोल्ट टू वोल्ट ही है तो ईक्वलेंट हम कैसे फाइंड करेंगे E प्लस ई प्लस ई टू प्लस टू प्लस टू तो ईक्वलेंट किसके इक्वल आ जाएगा एन इक्वलेंट ठीक है ये हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो आर इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा आर प्लस आर प्लस आर अप टू एन टर्म्स ठीक है इसको मतलब कि सोल्व करके आ जाएगा एन आर ये सर्कट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया ठीक है ये मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस था टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा सर्कट का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रजिस्टेंस एनआर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, एक्टर्न एक्टर्न है। तो टोटल तो रेजिस्टेंस तो तो क्या आ गया एन आर प्लस आर ठीक है तो करंट किसके इक्वल होता है आई फोन आर के सॉरी ई पोन आर के ई की वैल्यू हमारे पास एन ई आ गई आर की वैल्यू एन आर प्लस आर आ गई ठीक है इसका मतलब है करंट की वैल्यू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर आएगी जब हम मतलब की सर्किट में नंबर ऑफ सेल इंसर्ट करेंगे बट उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा अब देखो बेटा पैरेलल के लिए पैरेलल के लिए हम अगर टोटल मतलब कि इनका सेम है पोटेंशियल डिफरेंस वन पॉइंट आर पी किस को आ जाएगा इसलिए आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा आर प्लस आर पोन एन ठीक है तो मतलब कि सर्किट का जो करंट है किसके इक्वल आ जाएगा ई पोन आर प्लस आर एन ओके okay, स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ठीक है आपने अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे